अब हम लोग सेकेंड पार्ट में है जहाँ के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दो मेजर थिंकर्स जिन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन पे काफी फोकस किया है, मार्क्स और वेबर। ठीक है, मार्क्स और वेबर को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हाउ दे हैव अंडरस्टूड स्ट्रेटिफिकेशन और व्हाट आर देयर व्यूज ऑन स्ट्रेटिफिकेशन। मार्क्स के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मार्क्स के हिसाब से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम द ओनली वे ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज क्लास। तो मार्क्स के हिसाब से केवल क्या है, क्लास जो है दैट इज द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग क्रिएटिंग स्ट्रेटा एंड हाउ स्ट्रेटास आर क्रिएटेड, दोज हु हैव दे आर कॉल्ड दे मे बी कॉल्ड मास्टर क्लास। ठीक है, एंड दोज हु डू नॉट हैव दे मे बी कॉल्ड सब्जेक्ट क्लास। ठीक है, इसी का अलग अलग वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर स्लेव है, लॉर्ड सर्फ है। ठीक है, तो ये सारा अलग अलग वेरिएशन है, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियट है। ठीक है, बट अगेन क्लास इज समथिंग विच इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये ओनली इट विल एंड एट कम्युनिज्म। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से Only way society is differentiated is through class. यहाँ पे एक चीज important है, ऐसा नहीं है कि he does not recognizes कि society में power भी एक चीज होता है, status भी एक चीज होता है, but उसका conception ही यहाँ से शुरू होता है कि सब का base किस में है, economy में है, और economy से ही polity decide होता है, economy से ही status decide होता है, economy से every aspect of life is governed, religion, law, morality, everything is governed by, तो जैसा economy होगा वैसा ही reflection जो है उसके super structure में होगा which contains polity, law, literature, social, everything, okay? Hence, Marx के हिसाब से, if you know somebody's position in economy, then you also know his position across all other dimensions, यानी कि power कैसा होगा, status कैसा होगा, सब कुछ तुम जान सकते हो। तो in a way he has a concept called cumulative inequality. तो इसकी inequality जो है, मार्क्स की inequality कैसी है, cumulative है। मार्क्स की inequality कैसी है, cumulative है, because all the axes are overlapping on one another. और इसी को Gerhard Lansky बोलता है status crystallization. This cumulative concept of inequality is called status क्रिस्टलाइजेशन। एज अपोज टू दिस वेबर का कॉन्सेप्ट अलग है। वेबर डज नॉट सी कि ओनली बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन कुड बी क्लास और इकोनॉमी। तो वेबर के हिसाब से देर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। वन वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेटा कुड बी इकोनॉमी, जिसको कि वो क्या बोलता है, क्लास। अदर वे कुड बी थ्रू स्टेटस एंड वन अनदर वे कुड बी थ्रू पॉलिटी या पावर। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इसके और इसके क्लास में क्या डिफरेंस है थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर दैट कि इकोनॉमी बेस्ड अगर कोई स्ट्रेटिफिकेशन तुम कर रहे हो then it will be class. And one thing is very peculiar about his understanding about class is that it only started in the capitalism. Before capitalism, there was no difference, no strata based on class. उसके पहले status के base पे difference था, but कभी भी difference जो था वो क्या कहते हैं कि क्लास के बेस पे या इकोनॉमी के बेस पे नहीं था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एज अपोज टू दिस क्लास वाज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो केवल कैपिटलिज्म में क्लास जैसा स्ट्रेटिफिकेशन आया, उससे पहले नहीं था। स्टेटस तो हम जानते हैं, सोसाइटी कितना प्रेस्टीज एसोसिएट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल सिस्टम में वेबर के हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस वॉज स्टेटस।
स्टेटस क्या होता है, किस तरह का तुम्हारा बिलीफ है, किस तरह का तुम लाइफ जी रहे हो, उसके बेस पे लोग तुमको इज्जत एसोसिएट करते हैं, दैट इज स्टेटस बेस्ड डिफरेंशिएशन। एंड द थर्ड बेसिस कुड बी पावर। फॉर एग्जांपल आज के दिन में देख लो, अगर तुम इंडियन सोसाइटी को ले लो, तो जो लोग राइट विंग हैं, जो लोग मान लो बीजेपी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, दे बिकॉज बीजेपी इज करेंटली इन पावर, they will have different kind of social prestige. For example, जो लोग नेता से जुड़े हुए हैं उनको देखोगे सोसाइटी में आजकल ज्यादा चौड़ा होकर चल रहे हैं, right? Because that is another basis. नहीं हम बीजेपी से कनेक्टेड है, for example, जो लोग लेफ्ट से कनेक्टेड होंगे उनका अलग ओरिएंटेशन होगा, उनका सोसाइटी में अलग स्टेटस होगा, which is very apparent. मतलब पार्टी बेस्ड या पावर बेस्ड जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज के इंडियन सोसाइटी में काफी इजीली विजिबल है। मतलब यू कैन क्लियरली सी पीपल डिफरेंस एंड पीपल व्हाट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दे एसोसिएट ईच अदर। फॉर एग्जांपल राइट विंग को कुछ पर्टिकुलर लोग माइंडसेट से देखते हैं या एक प्रीकंसीव्ड नोशन से देखते हैं, लेफ्ट को कुछ लोग पर्टिकुलर प्रीकंसीव्ड नोशन से देखते हैं, सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर जो भी बोलना है उसको लोग अलग परसीव्ड नोशन से देखते हैं, ठीक है। दिस इज पावर बेस्ड डिफरेंशिएशन। एज सून एज बीजेपी केम इन पावर, बीजेपी के कार्यकर्ता बिकेम पावरफुल, दे बिकम मतलब भैया के पास तो भैया काम करा देंगे, ही अर्न्स रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट, समझा ना। तो अगेन दैट कुड बी अ बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहला डिफरेंस तो ये है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये तो पहला ही डिफरेंस हो गया, वन डायमेंशन मल्टी डायमेंशन। अब हमने क्या देखा, जहां की मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी पे ये सब कुछ बेस है, इकोनॉमिक स्टेटस पता है तो सब कुछ पता हो गया, वेबर के हिसाब से ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पावर में तुम्हारा पोजिशन यहां पे हो, इकोनॉमी में यहां पे हो, स्टेटस में यहां पे हो। फॉर एग्जाम्पल टीचर का जैसे एग्जाम्पल सबसे आसान है, टीचर का इकोनॉमिक पोजिशन बहुत खराब होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, बट तुम देखोगे सोसाइटी का प्रेस्टीज काफी बढ़िया होता है, गुरुजी का कॉन्सेप्ट, राइट। इसका और एग्जांपल बताते हैं, सरकारी में जैसे बिहार वगैरह में अगर तुम चले जाओगे तो सरकारी में अगर तुम किरानी भी हो तो उसका सोसाइटी में प्रेस्टीज बहुत हाई होगा, भले उसका सैलरी कम हो। एज अपोज टू दैट, मान लो कोई बंदा आईआईटी की कोचिंग में पढ़ा रहा हो, ठीक है, उसकी सैलरी उसको पर मंथ 2 लाख रुपए मिल रही है, इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से वो काफी बढ़िया है, बट सोसाइटी में देखोगे अरे पढ़ा ट्यूशन पढ़ा वैसे कहता है, ठीक है, मतलब क्या कि उसका प्रेस्टीज जो है एक किराने के भी प्रेस्टीज से कम होता है। लोग बेटी का शादी जो है किराने से कर देंगे, लेकिन वो जो है 2 लाख रुपया कमा रहे उससे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से। तो दिस इज अ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है। तो वेबर के हिसाब से दिस इज नॉट, what is this, this is not cumulative, this is dispersed, this inequality is dispersed because it may vary across different axes. So cumulative ki jagah pe aur dispersed hone se kya ho jayega, status inconsistency, matlab status kya inconsistent, yahan pe status consistent tha, यहां पे स्टेटस इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। अब ये पार्ट हो गया जब, तो इसके बाद हम लोग चूंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास पे खास करके, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का कॉन्सेप्शन ऑफ क्लास पे हम लोग देखना चाहेंगे कि हाउ दे हैव सीन क्लास। तो बेसिक डिफरेंस तो हमने बता दिया कि क्या है कि नहीं। उसके अलावा अगर तुम देखना चाहोगे तो एक तो था कि कब से है, बेसिस क्या है। बेसिस देखो मार्क्स के हिसाब से देयर इज ओनली वन बेसिस ऑफ फॉलिंग इनटू अ पर्टिकुलर क्लास, या जो क्राइटेरिया जो नॉट तुमको चूज करना है डिफरेंशिएट करने के लिए मास्टर और सब्जेक्ट के बीच में, देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया एंड दैट इज ऑनरशिप। ऑनरशिप इज द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेस पे तुम क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो क्लास को। बट वेबर रिकॉग्नाइजेस कि ऑनरशिप इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट ही रिकॉग्नाइजेस दैट कि ऑनरशिप ही अकेला क्राइटेरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का जब एमबीए करता है वो भी जॉब करने जाता है, he has a special skill, because of that he is paid much more than that, एक चाय दुकान वाले से ज्यादा काम आ रहा है कहीं का वो किसी मैनेजर, मैनेजर भी लेबर है, मैनेजर ऑनर नहीं है,
बट वो क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है किसी चाय दुकान वाले से, चाय दुकान वाला क्या ऑनर है, तो मार्क्स के हिसाब से वो ऑनर क्लास हो गया, वो मास्टर क्लास हो गया चाय दुकान वाला। और जो मैनेजर है किसी कंपनी में वो क्या होगा, लेबर क्लास में आ गया या प्रोलेटेरियट में आ गया। जबकि वेबर रिकॉग्नाइज करता है कि ऑनरशिप इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, और दूसरा फैक्टर मार्केटेबल स्किल्स, स्किल्स जो है तुम्हारे, बिकॉज स्किल कैन गिव यू, स्किल कैन गिव यू वर्क समथिंग। हेंस ही सेज कि क्लास इज बेस्ड ऑन मार्केट पोजिशन, योर पोजिशन इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, योर मार्केट ओरिएंटेशन या योर मार्केट पोजिशन, योर मार्केट पोजिशन कुड मतलब डिपेंड अपॉन, मतलब तुमको वो लोग वैल्यू मार्केट में कैसे करेंगे, तुम्हारे स्किल के बेसिस पे करेंगे या तुम्हारे पास कितना पैसा है, ऑनरशिप है, कैपिटल है, उसके बेसिस पे करेंगे। हैंस देयर इज क्लियर कट डिफरेंसेस। He does not recognize you. वो कहता है स्किल है तो भी तुम प्रोलेटेरियट हो, जबकि ये बोलेगा स्किल है तो तुम डिफरेंट क्लास बन गए भाई। ठीक है, अगेन अनदर डिफरेंस इज दैट ही बिलीव्स कि विद मैच्योरिंग ऑफ कैपिटल देयर ओनली विल बी टू क्लास पोलराइजेशन। ही बिलीव्स दैट कि देयर विल बी पोलराइजेशन। हाउएवर वेबर बिलीव्स कि देयर विल बी फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लास, यानी ढेर सारे क्लास हो जाएंगे, खास करके मिडिल क्लास, खास करके मिडिल क्लास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, मिडिल क्लास में काफी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर डिफरेंस। एंड द थर्ड डिफरेंस इज कि ये बोलता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा क्लास के बीच में, दैट विल ओनली रिजॉल्व टू रिवॉल्यूशन, या झगड़ा होगा रिवॉल्यूशन। जबकि वेबर कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट This conflict will be resolved to revolution. उसके हिसाब से बहुत सारे वेज हैं, institutions हैं, democracy हैं, जहां लोग अपने desire को express कर पाते हैं और सरकार वैसा चुन लेंगे। ठीक है ना, तो not necessary कि revolution हो। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बीच का मेजर डिफरेंस है उनके स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में। Since these two thinkers are very important to understand and they have been repeatedly asked, hence I think these have been covered in detail. ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया what is social stratification according to Marx and Max Weber. ठीक है, next part में हम लोग ये again both come from conflict perspective. तो if they ask you a question कि conflict perspective से क्या है stratification, then you should also mention Weber. Marx to mention karoge, but you should also mention Weber, because Weber is also from conflict perspective. He is not seeing things from the functionalist perspective. He also believes ki there is conflict of interest between different classes. Theek hai na, again both come from conflict perspective. Next we will see functional perspective.